अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपी। आज हम बनाएंगे खुबानी का मीठा, जो हैदराबाद का मशहूर मीठा है। वहाँ के दावतों में ये मीठा खाया जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसे फ्रेश क्रीम, आइसक्रीम और कस्टर्ड के साथ खाया जाता है। आज हम इसे फ्रेश क्रीम के साथ बनाएंगे। तो चलो देखते हैं खुबानी का मीठा बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। खुबानी का मीठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले खुबानी लेंगे, जो कि ये 250 ग्राम है। इसे इंग्लिश में एप्रिकॉट भी कहते हैं। हमने इसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगाया था, जो कि ये फूलकर अब बड़ी हो चुकी है। एक कप से थोड़ा ज़्यादा हमने शक्कर लिया है, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर और अमूल फ्रेश क्रीम, ये 250 ml है। हम इसका आधा इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून मिल्क मेड डालेंगे। हमने खुबानी को अच्छी तरह धोकर इसे भिगाया था। अब हमें ये पानी फेंकना नहीं है, इसी में हम खुबानी का मीठा बनाएंगे। खुबानी के अंदर से बीज अलग कर देना है इस तरह से। इसी तरह से हम सारे बीज अलग कर देंगे। खुबानी में से हमने सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम खुबानी को इसी पानी से पकाएंगे और ये बीज के अंदर से बादाम फोड़कर निकालेंगे। इसी तरह आपको सारे बीजों में से अब हम खुबानी को पकाएंगे। जिसमें हमने खुबानी भिगाई थी हम वो ही पानी इसमें डालेंगे। अब हम खुबानी को 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, इतना कि ये खुबानी गल जाए। और फिर जब ये गल जाएंगी तो इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। उससे पहले शक्कर ऐड नहीं करना है। जब तक हमारी खुबानी पक रही है तब तक हम अमूल फ्रेश क्रीम फेंट लेंगे। आधा क्रीम निकाल लिया है, अब हम इसे फेंट लेंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो, मशीन ना हो, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क मेड डालेंगे। अगर आपको कम मीठा लगता है तो 2 टेबलस्पून डालिए। अब हम इसे मिलाएंगे। कंटेनर में निकाल देंगे। और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसे पककर, अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट के लिए पकाया। अब हम चेक करते हैं खुबानी गली है क्या। खुबानी अच्छी से गल चुकी है
अब हम थोड़ी खुबानी साबित रहने देंगे और बाकी की मैश करेंगे। ये हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर दिया है, अभी अच्छी तरह पक चुकी है तो इसके बाद शक्कर डालेंगे। शक्कर आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें रेड फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। और इलायची पाउडर। अब हम इसे मैश करेंगे थोड़ी थोड़ी। थोड़ी साबित ही रहने देंगे। अब हमने इसे अच्छे से मैश कर दिया है। हमने ये थोड़े साबित रखे हैं जो ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे जो हमने खुबानी में से निकाले थे, वो बादाम इसमें हम ऐड करेंगे। हमारी खुबानी तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने थोड़े से बादाम बचाए थे, हम इसे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे ठंडा कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे क्रीम के साथ सर्व करेंगे। अब खुबानी का मीठा ठंडा हो चुका है और जो फ्रेश क्रीम रखे थे वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। सबसे पहले हम खुबानी को सबसे नीचे डालेंगे। और अब हम इसे ऊपर से फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब हमने जो साबित खुबानी रखे थे अब हम इसके ऊपर डालेंगे, और जो बादाम रखे थे अब वो भी इसको डालेंगे, इस पे डालेंगे। मीठा अब रेडी हो चुका है। मैंने इसे फ्रेश क्रीम के साथ सर्व किया है। आप आइसक्रीम या कस्टर्ड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही लजीज रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।